इंडिया की, कर्पूरी ठाकुर की, विकास की, यह हमारे देश की समस्या है। उन समस्याओं पर चर्चा के लिए राष्ट्रपिता का आदर्श ही काफी है। आपकी सोच क्या है जिन्ना को लेकर? ये कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू हैं। हम बापू की बात करते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? हमारे देश में रहते हैं, बात जिन्ना की करते हैं। हमारे देश में जो रहते हैं जिन्ना की बात करते हैं, तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े लोग जिन्ना के मज़ार पर चादर भी चढ़ाने जाते हैं। तो जो लोग जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए ना। हम तो राष्ट्रपिता बापू को के अनुयायी हैं। वो मेरे नेता, वो राष्ट्रपिता मेरे हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। जदयू के लोगों को जिन्ना प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके एमएलसी ने बहुत तारीफ की है। मेरे एमएलसी ने, देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय लाल किशन आडवाणी जी चादर चढ़ाने गए थे, ये फुटेज आप ही के पास है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आप तो, आपकी पार्टी उनके पार्टी के साथ है सर। तो आडवाणी जी को हम छोड़ दिए हैं क्या? आडवाणी जी मेरे साथ है ना, तो जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने आडवाणी जी गए थे ना, ये सच है कि नहीं है? नहीं नहीं, हम गरीब हैं, हम हमारी छोटी पार्टी है, इसीलिए ये अपराध है। क्या लगता है राजनीतिक चर्चा हो रही है? हम राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों पर चर्चा करते हैं। जनता दल यू के जो आइडियल हैं, जिसको हमारी पार्टी, हमारा नेता, हमारा एक एक सदस्य फॉलो करता है, वो राष्ट्रपिता बापू हैं, और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर, उन्हीं के कैलेंडर पर जनता दल यू अपना काम कर रहा है। सामाजिक सद्भाव, संविधान की इज्जत और गरिमा के साथ हम उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक में अचानक से जिन्ना को ट्रेंड करवा दिया गया। भैया, बिहार में और देश में एक ही चर्चा है कि बिहार में जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम राष्ट्रपिता का सहारा लेते हैं, उन्हीं